नानों के दस्तखान से, प्यारी प्यारी बहनों को प्यार भरा सलाम। आज मैं कोफ्ते बना रही थी तो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे कोफ्ते बनाती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, बेसिक पहले तो मुझे कीमा चाहिए, कीमा मैंने ले लिया। अच्छा, मुझे प्याज फ्राई करनी थी, वक्त को बचाने के लिए मैंने प्याज फ्राई करके रखा, और लेकिन उसमें मैंने 3-4 साबित लाल मिर्चें भी फ्राई की हैं, मसाला बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, इसके लिए फिर बेसिक सारे मसाले हैं, लाल मिर्च पिसी हुई है, हल्दी है, शिमला मिर्च, ये कश्मीरी मिर्च है, धनिया है, गरम मसाला है, और बेसिक एक चीज़ जो कोफ्ते में मिलाएंगे हम, ये चने पीस के मैंने रखे हैं। फिर वक्त बताने की साबित चने लाई थी, मैं इसको पीस के रखा, और अब मैं इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्चें पीसी हैं, अब इसके में मैं कीमा पीसूंगी। उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया नहीं डालूंगी, मैं सोया डालूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी बना के। अब मैं देखिए कीमा मैंने पीस लिया, प्याज और हरी मिर्च के साथ इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला है। ठीक है, और अब मैं इसमें जो तेल मैंने रखा था पैन में, इसमें सारे गरम मसाले, बेसिक बादियान के फूल, काली मिर्चें, दालचीनी, सियाह जीरा और 2-3 लौंग हैं। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डालूंगी मसाले में, ये देखिए बस। ठीक है, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद फिर इसमें सारे बेसिक मसाले जाएंगे, जिसमें लाल मिर्चें जाएंगी, धनिया, क्यूमिन जीरा पिसा हुआ, हल्दी, लाल मिर्चें, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, और जायफल जावित्री का पाउडर डालूंगी। अब ये देखिए कोफ्ते मैंने पीस के रखे थे, मुझे क्या क्या मसाला डालना है कोफ्ते के लिए, तो वो मैं दिखा रही हूँ। ये लाल मिर्चें पिसी हुई हैं, गरम मसाला डालूंगी मैं, ठीक है, थोड़ा सा ये डाल दिया मैंने। अच्छा, ये जो धनिया मैंने पीस के रखे, चने पीस के रखे थे 2 चम्मच, ये इसकी बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये खस्ता बन जाएंगे, और इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए मैं 1 चम्मच ये देखिए दही डाल दूँगी इसमें। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें मैं अपना ट्रेडिशनल लुक डालूंगी, मैं इसमें धनिया नहीं डाला, मैंने सोया डाल दिया है, ये देखिए, और नमक अपने शौक के हिसाब से डाल के मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। अब देखिए मेरे तेल गर्म हो गया, तो इसमें साबित मैंने गर्म मसाले डाले, फिर मैंने अदरक लहसुन का भून लिया। ठीक है, अब बेसिक सारे मैं मसाले डाल दूँगी इसके अंदर। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लाल मिर्चें पिसी हुई, ठीक है, जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, ठीक है, फिर ये धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, नमक हल्दी जायका, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, ये देखिए। ठीक है, जायफल जो होती है मैं आखिर में डालूंगी, और थोड़ा सा गरम मसाला मैं डालूंगी, ये देखिए। ठीक है, और ये जो मैंने मसाला प्याज फ्राई किया था इसको मैं दही में पीस के फिर इस मसाले में मिलाऊंगी, फिर कोफ्ते बना के मैं डालूंगी। अब ये देखिए मैंने मसाला सारा भुना था, जो लहसुन अदरक मैंने डाला था वो सारे बेसिक मसाले डाले थे। अब जो मैंने प्याज फ्राई की थी उसको दही के साथ मैंने ग्राइंड किया है, तो इसमें बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है कोफ्ते में। अब पानी तो आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको शोरबे बनाना, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको बनाऊंगी। और ये देखिए, और ये मैंने कोफ्ते बना के रखे हैं, ये देखिए, जिसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला था, थोड़ा सा बनाने में आसानी रहे। ये तैयार है, जब ये मेरा मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसमें कोफ्ते डालूंगी और आलू भी साथ डाल लेंगी मैं। आपका आपकी मर्ज़ी है, आप आलू डालें या ना डालें, हम लोग डाल के बनाते हैं तो अच्छा लगता है। मैंने अब ये इसमें बॉयल आ गया, क्योंकि मसाला मैंने बहुत अच्छे से भून लिया था, तेल ऊपर आ चुका था। अब मैं इसमें आलू मिला रही हूँ, ठीक है, और आलू मिलाने के बाद जब मैं थोड़ी देर के बाद 10 मिनट का मैं कोफ्ते डाल दूंगी, लेकिन कोफ्ते डालने के बाद फिर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे, हम देखिए कुछ तरह से करेंगे ताकि हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। जब तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं कोफ्ते एक एक करके डाल रही हूँ, 10 मिनट आलू को डालते हुए हो गया, मैंने कहा कोफ्ते भी डाल दूँ ताकि साथ ही इकट्ठे बन जाए। जब ये तैयार होंगे 15 से 20 मिनट लगेंगे, मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको। इतना हल्के आके जब तैयार हो जाएंगे तो मैं इसमें जायफल जावित्री का पाउडर डालूंगी थोड़ा खुशबू के लिए। ये देखिए कोफ्ते डालती हूँ, मगर ढक्कन कवर नहीं पूरा करूंगी, मैं ऐसे रखूंगी ताकि, ये देखिए जब तैयार होने लगा तो मैंने जायफल जावित्री का पाउडर डाला थोड़ा सा इसमें खुशबू के लिए, थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा सा सोया, बस। ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं, ये देखिए, बस इसको मैंने ऐसे हिलाया है, इसमें चम्मच नहीं खिलाया जाता। ज़रूर बनाइएगा, रोटी के साथ खा सकते हैं, प्लेन चावल के साथ भी खा सकते हैं आप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कीजिए, ताकि मेरी ये आपकी क्या कहते हैं, आपका प्यार होगा मेरे लिए। अल्लाह हाफिज़।